जेके न्यूज पॉइंट लाइव के साथ जुड़ चुके हैं आप, और इस लाइव में हम बात करेंगे जिस तरह से कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कश्मीर प्रशासन ने कल एक फैसला लिया जिसमें लॉकडाउन दोबारा लगाया गया श्रीनगर के 88 इलाकों में, और दूसरी ओर एक ऑर्डर भी सामने आया कि टूरिज्म रिओपन कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में कुछ SOPs के साथ। बायर जो ट्रैवलर्स आएंगे उन्हें आने की इजाजत दी जाएगी, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना होगा, पर हम ये पॉलिसी ये स्ट्रैटेजी जो प्रशासन की है वो समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर जो है लॉकडाउन लगा दिया जाता है, दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में टूरिज्म रीओपन कर दिया जाता है। थोड़ा इस पर रोशनी डालेंगे। फिदा हुसैन हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फिदा, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन का किस तरह का असर देखा जा रहा है। देखिए प्रियंका, अगर हम लॉकडाउन की बात करेंगे, लॉकडाउन जो कि फिर से रीइम्पोज किया गया है कुछ इलाकों में, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए, अगर हम दक्षिण कश्मीर की बात करेंगे, दक्षिण कश्मीर पुलवामा शुपियान कुलगाम अनंतनाग के साथ साथ अवंतीपुर की बात करेंगे, वहां पर आज काफी ज्यादा लॉकडाउन जो है वो देखने को मिला, अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करेंगे, क्योंकि लोग जो है जिस तरह से SOP जारी की गई थी। जी, तो फिदा से हमारा संपर्क टूट गया है, कोशिश करेंगे दोबारा राबता करने की फिदा से, पर सबसे पहले मैं यही चाहूंगी जितने व्यूअर्स हमारे साथ हैं वो हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स पे कनेक्ट हों और अपने अपने विचार रखें कि कश्मीर से जो व्यूअर्स हैं वो बताएं कि लॉकडाउन का कितना असर वहां पर ग्राउंड लेवल पर देखा जा रहा है। फिदा एक बार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ पे अब ग्राउंड सिचुएशन जो है आज सुबह से हमने यहाँ पे देखा, क्योंकि कल जिस तरह से यहाँ पे प्रशासन बाहर आई थी, हालांकि पहले भी अगर लॉकडाउन की बात करेंगे जो प्रशासन है यहाँ की, अगर हम पूरे दक्षिण कश्मीर की बात करेंगे तो वहाँ के जो प्रशासन है तो वो खुद सामने आए, उन्होंने लोगों से बात की, उन्होंने यहाँ पे लोगों को बताया कि आप SOP का जो है उसका ख्याल रखें, आप मास्क पहन के बाहर आए अगर आपको बाहर आना भी है, और आप साथ ही साथ डिस्टेंस का काफी ख्याल रखें। देखिए एक तरफ से कल भी हमने देखा कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो भी यहाँ पर लोगों को समझाती हुई नजर आई प्रशासन के साथ साथ, और अगर हम पुलिस की बात करेंगे, मैं आपको बता दूं, पहले हम अगर जिला अनंतनाग की बात करेंगे, जिस तरह से कर पर्यटकों को जो यहाँ के पर्यटक है जो वहाँ पे घूमने के लिए गए थे उनको कहा गया कि आप जल्दी पहलगाम को खाली कर दीजिए, वहाँ पे अगर हम SDPO अशमुकाम की बात करके पहलगाम की बात करेंगे, उनके साथ जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है पहलगाम के वो भी वहाँ पर थे, उन्होंने भी लोगों को काफी ज्यादा समझाया, जो कि ग्राउंड जीरो पे हमने देखा लोगों को समझाते हुए। वही अगर हम डूरू वेरीनाग की बात करेंगे, यहाँ के जो SDPO है शहीद माजिद के साथ साथ जो यहाँ के स्टेशन हाउस ऑफिसर है नजीर इंद्रावी साहब जो थे, उन्होंने भी यहाँ पे लोगों को समझाया कि ये हम आपके लिए लॉकडाउन कर रहे हैं, अगर रीइम्पोज हुआ भी, अगर यहाँ पे प्रशासन ने जो ऑर्डर निकाला है आप उसका समर्थन कीजिए, क्योंकि ये COVID-19 का मामला है। अनंतनाग की बात करेंगे, अनंतनाग पुलिस स्टेशन की जो पर फिदा अगर हम बात करें एक तरफ, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन सुबह से आ रहे हैं कि अगर बाहर से ट्रैवलर्स आएंगे, अगर यहाँ पर टूरिज्म रीओपन होगा तो वो श्रीनगर के होटल्स में ही रुकेंगे, वहीं की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे घूमेंगे, तो किस तरह से ये बैलेंस मेंटेन होगा? देखिए मैं बता दूं आपको यहाँ पे प्रियंका, कि अगर हम पर्यटकों की बात करेंगे, जो कि यहाँ पे जो टूरिज्म विभाग है अगर हम उसकी बात करेंगे या बाकी अन्य लोगों की बात करेंगे, देखिए यहाँ की सरकार चाहती है कि जो यहाँ के लोग हैं वो काम करने चाहिए, साथ ही साथ अगर यहाँ पे लॉकडाउन भी रीइम्पोज हुआ लेकिन जो जनता है उनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उनको किसी तरह की समस्याएं पेश नहीं आनी चाहिए, जिस तरह से हमने देखा कि सरकार के जो अधिकारी है वो कहते हैं कि अगर यहाँ पे लॉकडाउन 1 था 2 था 3rd था 4th था और उसके बाद अनलॉक 1 अनलॉक 2 या अगर हम रीइम्पोज की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं पे जनता भी अब समझ चुकी है कि हाँ हमसे गलतियां हुई है, हाँ हमने SOP का फॉलो नहीं किया है, हाँ जो प्रशासन बार बार कहती थी, जो प्रशासन बार बार टीवी पे और जो यहाँ के न्यूज पेपर है या अगर हम सोशल मीडिया की बात करेंगे उस पर तो प्रशासन सामने आके कहती है कि आप SOP का यहाँ पे फॉलो करें, मास्क पहन के बाहर निकल गया, आप डिस्टेंस का पालन करें, लेकिन जिस तरह से जनता ने शायद वो बात नहीं मानी, जिसके नतीजे
नतीजे आज हमें देखने को मिल रहे हैं, जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, साथ ही साथ जो कोविड पॉजिटिव केस है वो भी सामने आ रहे हैं और उसमें भी काफी ज्यादा जो है वो अप हुए हैं, और उसको कैसे रोका जाए, कैसे इस चेन को तोड़ा जाए। मुझे अभी भी याद है जब हमने कोविड 19 का जब यहाँ पे पहला केस सामने आया था, तो उस दिन हमने यही कहा, यहाँ की जनता ने यही कहा कि हम इस बार कोविड 19 को यहाँ से हराएंगे, भगाएंगे, देश से निकालेंगे। लेकिन कहाँ गया वो नारा, कहाँ गई वो बातें? लोगों को समझाने की जरूरत है, लोगों को जो निर्देश जारी किए गए हैं उसका पालन करने की जरूरत है। जब तक हम खुद फॉलो नहीं करेंगे, हम कहते हैं कि पर्यटकों को आने की यहाँ पे अनुमति दे रहे हैं, देखिए पर्यटक अगर यहाँ पे आते तो शायद जो यहाँ की यहाँ का रोजगार है वो भी चलेगा, क्योंकि दूसरी तरफ तो जो यहाँ के लोग है, जो बेरोजगार लोग है, जो युवा है यहाँ पे, वो तो काम चाहते हैं, उनको भी काम चलना चाहिए। लेकिन एसओपी का भी हमें फॉलो करना है, हमें मास्क पहन के निकलना है। अगर हम किसी दोस्त को मास्क ना पहनते हुए देखेंगे तो हमें चाहिए कि उस वक्त हम उनको रोके, कहे कि आपने बाबा मास्क नहीं पहनी, आप मेहरबानी करके मास्क पहन के निकले, क्योंकि ये वायरस है। देखिए ये किसी को दिखता नहीं है, ये वायरस आज तक किसी को नहीं दिखा, नहीं कभी सामने आया। जब बिल्कुल फिदा, आप सही बोल रहे हैं, लोगों को समझने की जरूरत है। और वहीं दूसरी ओर जाते जाते मैं चाहूंगी, ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे जो एनकाउंटर साइट के अनंतनाग में, जाते जाते उसकी अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। देखिए अगर हम उस मुठभेड़ की बात करेंगे जो कि विदेश श्री गुफारा में आज सुबह यहाँ पे शुरू हुआ था, जिसमें दो मिलिटर जो है वो हलाक हुए हैं, हालांकि बताया जाता है कि दोनों जो है वो स्थानीय बताए गए। हालांकि जो उसके बाद अगर हम पुलिस की बात करेंगे, क्योंकि पुलिस को एक खबर मिली थी कि वहां पे कुछ मिलिटेंट मौजूद है इलाके में, तो उसके बाद इलाके की घेराबंदी करके मिलिटेंट कुछ सिक्योरिटी फोर्सेज पे नजर पड़ी, तो मिलिटेंट ने फायर खोला, सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी जवाबी कार्रवाई की। तो ये तकरीबन 6 से 7 घंटे तक ये मुठभेड़ चली और इस मुठभेड़ में दो मिलिटेंट जो है वो हुए हैं। उसके बाद हालात को देखते हुए यहाँ पे इंटरनेट को डाउन किया गया, साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी एग्जिट पॉइंट्स थे जो श्री गुफारा और विदेह को मिलाने वाले थे, वहाँ पे जो इजाफी नफरी है वो लगा दी गई थी, ताकि जो यहाँ के अमन कानून है वो ठीक रहे। उसके चलते यहाँ पे देखा जाए तो वो मुठभेड़ जो है खत्म हो गई, उसमें दो मिलिटेंट जो है जो मकामी बताए गए उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग की बात करेंगे तो ये मुठभेड़ जो है वो खत्म हुई है, जो रात के वक्त चला था। शुक्रिया फिदा तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिदा हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो लगातार हम बात कर रहे थे कि श्रीनगर में जो लॉकडाउन दोबारा लगा दिया गया उस पर लॉकडाउन का कितना असर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर टूरिज्म रीओपन होगा जम्मू कश्मीर में, तो जो बाहर से यात्री आएंगे, जो ट्रैवलर्स आएंगे, किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज होंगी, क्योंकि एसओपी तो हैं ऑर्डर में, पर इम्प्लीमेंट किस तरह की होगी ग्राउंड जीरो पर, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर हम बात कर रहे थे अनंतनाग एनकाउंटर के हवाले से, जिस तरह से अपडेट है कि दो आतंकियों को मारा गया है, उनकी पहचान भी हो चुकी है, एक पाकिस्तान से ताल्लुक रखता था, और वहीं दूसरी ओर जो दूसरा है वो स्थानीय बताया जा रहा है, और दोनों जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से ताल्लुक रखते थे। फिलहाल के लिए इतना ही, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ।